ये लिफ्ट आ रही है भाईजान, ये एक टाइम में चार आदमी उधर से लेके आती है और चार ही पर्सन इधर से बैठते हैं जो उस तरफ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। साथ में बच्चे वगैरह वो बैठा देते हैं। अभी का सीन ये है जो बहुत तेज बारिश और ओले पड़ रहे हैं, ओए उठ चली आओ, पत्थर थले आओ, ओले ओए पत्थर थले से यो बड़े बड़े पत्थर थले आइयो मान। फुल भाईजान बिल्कुल टूट चुका है, हमारी हालात बुरे हो गए हैं, ओले पड़ रहे हैं इस वक्त तो भाईजान। अल्लाहू अकबर युवा बड़ा, वो ब्रिज देखे जिससे हम चल रहे थे, वो उसकी फटियां देखे, ये सारा ब्रिज गिर गया, गिर नहीं गया, गिरने वाले हालात हो गए उससे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम शारदा वैली। खेल जाते हुए और टूरिस्ट लॉज के 10 किलोमीटर के रास्ते पे केल पहुंच चुके हैं। आगे का क्या प्लान है जिक्र भाई, आगे कहाँ जाएंगे हम? चेयर लिफ्ट लेंगे यहाँ से औरंगजेब के लिए। औरंगजेब के बाद टाइम बचेगा तो कोशिश हमारी होगी हम आज ताऊबाट भी जाएं। ताऊबाट कितना टाइम लगेगा तकरीबन? यहाँ से तकरीबन 4 घंटे। ओके भैया, रेस्ट वगैरह हो गया, शेक वगैरह पी लिया, सारी बातें वगैरह हो गई हैं, बस अब निकलेंगे। चल अहमद और भाई यहाँ छाटे सो, अब आगे चेयर लिफ्ट यहाँ से तकरीबन 2 मिनट का कहते रास्ता है, वहाँ पर गाड़ी लगाएंगे, 2 मिनट लेगी चेयर लिफ्ट हमें ऊपर हिल तक पहुँचाने के, और उसके बाद लगेंगे भाईजान हमारे 40 मिनट की ट्रैकिंग के, तो आज फिर हम करेंगे ट्रैकिंग। अच्छा ये सीधा रास्ता भेजा जाता है ताऊबाट, और ये राइट साइड को जाता है जी औरंगजेब के चेयर लिफ्ट की तरफ, वो जा रहे हैं वो हवा पर आ रहा है, उन्हें सामने देखा ना भैया। फाइनली हम चेयर लिफ्ट के पास पहुंच गए, ये गाड़ी जो आती है सुपर यहाँ पे चेयर लिफ्ट का रास्ता इस तरफ है, ये सारा ये ऊपर वो आपको बैठ कर दिख रहा होगा वो चेयर लिफ्ट का रास्ता है, यहाँ से मुझे चेयर लिफ्ट जाती है वो आपको ये तार आप देख रहे होंगे, ये जाते हुए जाते ये आपको उतारेगी यहाँ पे ठीक है। आपने फिर ये 40 मिनट का ट्रैक करके जाना है यहाँ पे, ये इतनी हाइट है, और इस ट्रैकिंग को करने के लिए आपको स्टिक मिलेगी यहाँ से, टेंट है टेंट कह रहे साहब ना कि ओन जी दे दो फिर एक इसका 30 रुपये रेंट है। बाकी हम आगे वो आगे चेयर लिफ्ट आप ले सकते हैं, वहाँ पे जाकर आपको मिलते हैं। चलो जी चलो, 200 रुपये की पर पर्सन टिकट है, और लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सीन है लाइन के, ये मैं आपको करीब आके दिखा देता हूँ, एक मिनट मैं लाइन दिखाऊंगा भाई आपको, लाइन दिखा देता हूँ मैं, ज़रा लाइन दिखा के वो पॉइंट है, ये देखे भैया लाइन ये है, ये भी ये लाइन ही है, यहाँ से ये सीधा फिर इस तरफ लेफ्ट साइड पे ये सारी लाइन लगी है, और एक टाइम में सिर्फ 4 आदमी जा सकते हैं उस तरफ, ठीक है, और आप हिसाब लगा लें मिनिमम हमें 3 घंटे कहीं ना कहीं यहाँ पे लगने हैं। अभी हम प्लान ये कर रहे हैं कि जाएँ या ना जाएँ, अभी हम ये सोच रहे हैं, बाकी अभी हम देखते हैं इंशाल्लाह क्या प्लान करते हैं, बाकी रश बहुत है यार, बहुत ज़्यादा रश है। ये लिफ्ट आ रही है भाईजान, ये एक टाइम में 4 आदमी उधर से लेके आती है और 4 ही पर्सन इधर से बैठते हैं जो उस तरफ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, साथ में बच्चे वगैरह वो बैठा देते हैं, ये देख लें, तो इस तरह करते रहे लाइन के हिसाब से, आप देख लें 2 से 3 घंटे कहीं भी नहीं गए, इसलिए हम छोड़ रहे हैं, ये स्किप कर रहे हैं, ये फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं प्लान, बाकी आगे देखते हैं इंशाल्लाह, अगर आगे क्या करते हैं, आगे का प्लान हम नीचे जाके करेंगे अभी, और बस सब कूल है। अच्छा बाकी बाकी इस डंडे के 30 रुपये हमें पड़ चुके हैं, जो ये रेंट हमें पे करना पड़ेगा फजूल ही। बाकी मिलते हैं आपको, आगे का प्लान बाद में बताते हैं।
चेयर लिफ्ट तो हमने स्किप कर दिया, लेकिन ये सामने का सीन ये स्किप नहीं हो सकते। ये सीन चेक कीजिए सामने के भैया, क्या खूबसूरत वैली है, केल खूबसूरत है, केल केल। ये देखें ये सारी वैली है, हमारी बाइक्स यहाँ पे पार्क हुई हैं, बाकी ये वैली का सीन कुछ खास है। ये कुछ आर्मी का कैंप वगैरह अभी प्लान करते हैं, अभी हम प्लान करते हैं क्या करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो भाई जान अभी का सीन कुछ यूं है, केल के केल से होकर फ्री होकर हम प्लानिंग करने बैठे ना, जब हमारे पास दो ऑप्शन निकली, पहली ताऊबट, दूसरी रत्ती गली। और काम कुछ यूँ था, अगर हम ताऊबट करते तो रत्ती गली ना होती, रत्ती गली करते तो ताऊबट ना होती, क्योंकि अगर केल से ताऊबट का सफ़र है 4 घंटे का ऑफ रोड, अगर आप आज हम जाते हैं ताऊबट तो आज रात हम वापस नहीं आ सकते, क्योंकि डेढ़ तो पहले बज चुका था, हमें जाते जाते तकरीबन 5:30-6 हो जाते, वापसी का सीन नहीं था, तो कल सारा दिन हमारा सफ़र गुजर जाता मुजफ्फराबाद जाते जाते। तो इस वजह से हमने रत्ती ताऊबट को स्किप कर दिया है और हम करेंगे रत्ती गली कल। अभी हम हैं वापसी के रोड पर निकल चुके हैं, आज रात हम स्टे करेंगे दिवारिया में, केल से निकले हुए हमें तकरीबन 1/2 घंटा हो गया और हम इस चश्मे में रुके थे फ्रेश वगैरह होने के लिए। शारदा है तकरीबन 27 किलोमीटर है दिवारिया, तो हम आज रात वहाँ पर स्टे करेंगे और कल सुबह रत्ती गली के लिए निकलेंगे। और सीन कुछ यूँ है यहाँ के, ये देखिए ये चश्मे, ये वहाँ ऊपर से आता है भाईजान, ये यहाँ से आते हुए, ये यहाँ से गुजरते हुए सीधा जाता है भाईजान दरियाए नीलम में। मैं आपको करीब से चश्मा दिखा देता हूँ, ये चश्मा है भाईजान जहाँ पे फ्रेश हुए हैं, मुंह वगैरह धोया, अच्छा काफ़ी बड़ा चश्मा है, ये काफ़ी ठंडा पानी है। इसकी मेन जो एक्सीलेंस है, इसका पानी रोड पे नहीं आता, आप देख सकते हैं ये रोड के नीचे से गुजरते हुए इस तरफ चले जाता है यहाँ पे। आपकी केल की सूरते हाल कुछ यूँ है, केल की खूबसूरती काफ़ी है, केल वैली जो है ना वो आप विजिट कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है, रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत अच्छे अच्छे गांव आते हैं जो देखने के काबिल हैं, आपको वो करना चाहिए। मैं कहूँगा मस्ट विजिट प्लेस है केल, आपको खूबसूरती उसकी कुछ एक्सप्लोर करनी चाहिए, ठीक है। बाकी अब सीन यही है, बाकी हम रोड पर निकलेंगे, मिलेंगे आपको रास्ते में। केल से शारदा की तरफ जाते हुए भाई जान आपको ये खूबसूरत मंजर देखने को मिलेगा, ये चेहरे नुमा पहाड़, इसे हम खुद नाम देंगे मैन फेस माउंटेन, वैसे ये आप देख रहे हैं। बाकी मिलते हैं आपको आगे रोड पे अगर कुछ और खूबसूरत चीज़ आती है, माशाल्लाह। नेक्स्ट 3-4 क्लिप्स में ना मेरी वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई और आई डोंट नो क्यों नहीं हुई ऐसा, लेकिन जो भी है ठीक है, अब मैं इंशाल्लाह वॉइस ओवर करने की कोशिश करता हूँ, और मैं जानता हूँ मैं वॉइस ओवर में बहुत बुरा हूँ, तो आप ज़रा बर्दाश्त कर लीजिएगा। केल से शारदा की तरफ जाते हुए ना तकरीबन शारदा से 8 किलोमीटर पहले हमें एक खूबसूरत सी जगह देखी जहाँ पर हमने रुकने का फैसला किया था, काफ़ी खूबसूरत और ग्रीनरी थी जगह, उस जगह पे जहाँ पे हमने सोचा था कुकिंग वगैरह करेंगे। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये ऊंचाई है जो आप देख सकते हैं ये रोड की, ये इस ऊंचाई से हम नीचे आए हैं और ये मेन रोड है केल शारदा वाला, ये आप गाड़ी भी देख सकते हैं, और ये कुछ सीन है यहाँ के भाईजान, काफ़ी खूबसूरत जगह थी जो भी था। ये सामने आप देख सकते हैं दरियाए नीलम है, और ये उसके ऊपर लकड़ी का ब्रिज है जो दूसरी तरफ जाने के लिए, दूसरी तरफ थी आर्मी की चेक पोस्ट जो हो गया, मतलब उन्होंने हमें शूट करने से मना कर दिया था। ये ब्रिज पूरा रस्सियों से बंधा हुआ था, लोहे की रस्सियों से, इसके ऊपर जब बंदा चलता था ना ये पूरा झूले की तरह झूलता था, ये बस अजीम भाई वगैरह उसी की वजह से डर रहे थे ऊपर जाने से, ये यहाँ पे खड़े थे और उमान और अहमद भी इसी तरफ खड़े होकर फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे थे, लेकिन बाद में हम सब उस तरफ क्रॉस कर गए थे, बस अब गए हैं इतनी दूर तो देखेंगे तो सही चल कर क्या। बाकी दरिया की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक आ रही थी इस जगह पे यार। अभी का सीन ये है कि यार मैं इस टाइम लकड़ी के पुल में मौजूद हूँ, ठीक है, जो कि तकरीबन शारदा से 1 घंटे की मुसाफत पे है,
और मैं फर्स्ट टाइम चल रहा हूँ, तो डर भी लग रहा है क्योंकि मैं इससे पहले नहीं चला और हिल भी रहा है काफ़ी। तो आई थिंक अगर आपको लाइक्स वगैरह चाहिए तो यहाँ आ सकते हैं, बारिश तेज़ होने लगी है। ठीक है, पिक्चर्स वगैरह नहीं अब हम इधर उतार सकते, लेकिन अगर आप आएँ किसी मौसम में, शारदा से एक घंटे की मुसाफत है, ठीक है, तो आप पिक्चर्स वगैरह यहाँ ले सकते हो लाइक्स। और यहाँ पे हम भाईजान ब्रिज की दूसरी तरफ आ गए थे, हमारे मेरे बिल्कुल सामने चेक पोस्ट थी आर्मी की, जो कि उन्होंने हमें रिकॉर्ड करने से उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन जगह आप मेरे रिएक्शन से देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। आप देख ही लीजिए सीन यहाँ पे, ये पानी की आवाज़ को आप बहुत ज़्यादा मिस करेंगे यार, क्या कमाल की मतलब चश्मा था ये। साथ में आप ग्रीनरी देख सकते हैं, फुल जंगल टाइप है ये। हम यहाँ पे चिल कर रहे थे, हम सोच रहे थे कुकिंग वगैरह करने के लिए, लेकिन एकदम से काफ़ी ज़्यादा मतलब तूफ़ान आ गया, वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। बहुत ही तेज़ वाला तूफ़ान आ गया था कि ये ब्रिज जो था ना ये टूट गया था तकरीबन, मुकम्मल तौर पर नहीं था टूटा, लेकिन इसके दरमियान में से फटियाँ वगैरह निकल गई थी, आप वो भी देखेंगे। लेकिन जगह ये देखने के काबिल है भाई जान, बहुत ही खूबसूरत जगह थी यार ये, आप सीन चेक कर ही सकते हैं। मज़ा आ गया था यहाँ पे, ये जगह काफ़ी मज़ा आया था यहाँ पे, हमने मतलब काफ़ी तकरीबन आधा पौना घंटा हमने यहाँ पे स्पेंड किया था, काफ़ी मज़ा आया था यहाँ पे हमें। तो भाई जान अभी का सीन ये है, जब बहुत तेज बारिश और ओले पड़ रहे हैं, उत्थे चलिए पत्थर थले आओ, और फुल भाई जान बिल्कुल टूट चुका है, हमारी हालात बुरे हो गए, ओले पड़ रहे हैं इस वक्त। तो भाई जान अल्लाह अकबर, युवा बड़ा वो ब्रिज देखे जिससे हम चल रहे थे, वो उसकी फटियां देखिए, ये सारा ब्रिज गिर गया, गिर नहीं गया, गिरने वाले हालात हो गए उसके। ओ वड्डे ते आ होदे थल्ले आई जा तू, ओ कुछ नहीं होंदा है गने ते की गड्डी हो, चल जा बे भाई जान। ये देखे, अस्सलाम वालेकुम ग्यारह भाई जान। ओए आई वो हमारे लड़के हैं, हालात ये आप साजिद के हालात देखते, ये सब ये मकामी है, मकामी है ना यहाँ के आप? किधर से हैं आप? किधर से हैं? गुलिस्तान। गुलिस्तान नहीं, सैर करने घूमने फिरने आए हैं। वो पुल आपको दिखाता हूँ, ये पुल सारा गिर चुका है। रेनबो वो नजर आ गई, ये रेनबो देखें भैया, रेनबो शुरू हो गया इधर, वो भी है, ये देखें क्या बात है यार, बहुत ही बुरी है। तो ये यहाँ इतनी तेज हवा चली है कि बस ब्रिज गिर गया, नहीं वेट कर लो, नहीं नहीं निकली है ब्रिज का दिक्कत है, वो देखे वो सब खड़े हैं अभी, बस ये हालात चल रहे हैं हमारे। वो रेनबो चेक करें, देख रही है वो रेनबो देखे भैया, सब आवाजें दे रहे हैं रेनबो, ये रेनबो चल रही है, ये सारी बड़ा पैन लग ये ओले फिर गिरने शुरू हो गए, ये देखे आप, ये बड़ा गिर रही है सारी, वो ये ओले देखें, वो देखें ये बर्फ है सारी, हाँ गेड़ी है। अभी मैं मोबाइल अंदर रखूँगा उसका थमने का, वेट करेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। वो बाकी सब खड़े हैं, हम पत्थर के नीचे आ गए किसी तरह। ये रेनबो हवा तूफानी बारिश सब कुछ मिक्स ही आ गया, मिक्स ही आया। अल्लाह करम, अल्लाह मदद खुदा, करम करम करम, चला आपका मदद चाहिए बस। और धूप भी निकल आई है, थोड़ी धूप निकली है लेकिन ओले वगैरह गिर रहे हैं अभी भी।
वो बाकी खड़े हैं हमारे बंदे। बहुत ही गंदी आवाज चली है यार, अल्लाह ताला करम फरमाए। अल्लाह चले भाई जान मिलते हैं बाद में, मोबाइल अंदर रखो। रुकना ही पैना हाले, अभी निकलेंगे अभी यहाँ से थोड़ी देर बाद, जब बारिश पूरी तरह थमेगी तब मैं तो बैंड बढ़ जाने वाली है हमारी आज इंशाल्लाह। अल्लाह ताला करम करेंगे अपना, देखते हैं वो देखते हैं। मेरी बरसाती भी तक नहीं निकली अभी तो, बाकी मिलते हैं आपको बाद में। ये हुआ जी मेरे हालात, ये आप देख सकते हैं सारा बिक चुका हूँ। अपनी जैकेट पैराशूट की जैकेट में मोबाइल वगैरह सब कुछ रखा मैंने, बाकी ओपनली प्रॉपर भीग चुका हूँ मैं। ये नीचे मेरी सब कुछ भीगा पड़ा है। ये देखे भाई जान ब्रिज के लाल, इससे पहले वाली भी मेरी वीडियो देख लें ब्रिज, और अब ब्रिज के लाल ब्रिज पूरा ऐसे वेव किया था पूरा, और ब्रिज से वेव करने से आंधी आने से तकरीबन कह लें आप एक से डेढ़ मिनट पहले हम अभी इस तरफ पहुंचे थे। अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई हमारी, अल्लाह पाक करम करेंगे। बाकी बारिश अभी भी हो रही है लेकिन ये सब रेडी हो रहे हैं, बाकी अब हम निकलने की तैयारी करें। धूप हल्की सी निकल रही है, अब निकलेंगे यहाँ से। चल तो भाई जा, ब्रिज के हालात ये है वो देख लें आप, और ठीक कर रहे हैं अब शुक्र है अल्लाह का, बारिश रुकी है थोड़ी सी, अब हम निकलने लगे हैं यहाँ से। एक ये चढ़ाई बहुत ऊंची है, ये चढ़नी बहुत जरूरी है, फुल गीले हो चुके हैं, बाकी इंशाल्लाह जो अल्लाह का मंजूर इंशाल्लाह वो अब ना ब्रिज ठीक कर रहे हैं बिल्कुल। इतनी आंधी आई भैया, भैया बिस्मिल्लाह रहमान अल्लाह अकबर। लीजिए भाई फाइनली चढ़ चुके हैं, अब हमने जाना इस तरफ। अल्लाह करे कोई अल्लाह ताला के कैसा कोई लैंडस्लाइडिंग वगैरह या कुछ हुआ ना हो बस। अल्हम्दुलिल्लाह भाई जान शारदा पहुंच चुके हैं, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि कहीं पर लैंडस्लाइडिंग या चश्मा तेज नहीं मिला। उसी रोड से गए थे अस्सलाम वालेकुम, जिस रोड से गए थे उसी रोड से वापस आ गए। अभी ब्रिज क्रॉस करते ही ये शारदा, अभी मेरे टायर में भी हवा कम है तो मुझे ये भी डर था कि पंक्चर ना हो जाए रास्ते में कहीं। और बस सामने का व्यू आपको दिखाने के लिए सारा कुछ कर रहा हूँ मैं, ये देखिए ये हम बैठे हैं जनाब खाना खाने के लिए, और सामने के व्यू कुछ यूँ है, दरिया नीलम और ये व्यू अल्हम्दुलिल्लाह। फाग भाई बैग चले करो जरा बेटे, ये चुक दे तो नहीं पहले भी आ रहे। ये देखे कितनी मेहनत हो रही है आपके लिए, लोगों से करवाई जा रही है साथ में मेहनत। ये व्यू आ रहे हैं भाई जान सामने के, बाकी अभी खाना खा लें हम, फिर देखेंगे आगे जाना दवाड़ियाँ या यहीं पे स्टे करना, बाकी वो सब बाद में डिसाइड करेंगे और आपको बताएंगे। फाइनली भाई जान हमने खाना खा लिया गलानी होटल एंड रेस्टोरेंट से शारदा मेन बाज़ार में, ये तो हमने फैसला ये किया कि हम आज रात दिवारिया ही जाएंगे, क्योंकि 2 घंटे का सफ़र है 40 किलोमीटर है, तो क्योंकि अगर हम आज रात नहीं गए तो कल हमें पहले दिवारिया जाना पड़ेगा उसके बाद रत्ती गली, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आज हम दिवारिया जाकर होटल लेकर वहीं पर सोएंगे आराम, नाइट वहीं पर स्टे करेंगे ताकि कल सुबह सुकून से कोई टेंशन फ्री होकर रत्ती गली कर सकें। तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर निकलते हैं यहाँ से बस। ओके जी भैया सफ़र का आगाज़ हो चुका है, और बिल्लाह शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाह रब्बुल अलमीन। यार थोड़ा सा ना टेंशन हो रही है मुझे, मेरी 2 वीडियोस की वॉइस नहीं रिकॉर्ड हुई,
पता नहीं वो क्या हुआ क्यों हुआ, माइक मेरा ख़राब था या माइक की पिन मतलब हिल गई थी, क्या सीन हुआ। लेकिन दो वीडियोस की रिकॉर्ड वॉइस नहीं रिकॉर्ड हुई, और GoPro का मेरा 3 GB का डाटा, 26 2 GB डाटा डिलीट होगा गलती से मुझसे। अल्लाह वाला सर पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ना करो ना यार, वो हॉर्न दे रहे थे मुझे लगा चल बुला रहे हैं, तो वो वैसे ही आप इसमें लगे बुला रहे हैं। तो रास्ता शुरू कर दिया हमने सफ़र, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला अपने खैर वाफियत से हमें दीवारियाँ पहुँचाएँ। रास्ता सुधा साफ ही है, इस तरह ही है जैसे आप रोड देखते हैं, साफ सुथरा क्लीन रोड है, तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी, मज़ा आएगा। और सबसे बड़ी हमारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, सुबह उठकर पैकिंग वैकिंग कर कर निकलना हमें वहाँ पे दीवारियाँ, कब सुबह उठेंगे स्कूल से और रस्सी गली। दरिया नीलम है, वहाँ से अब तक भी जमा है, अभी तक जमा हुआ है, अब जुलाई अगस्त स्टार्टिंग हो चुका है, लेकिन अगर आपको दिख रहा हो वहाँ पे अभी भी ग्लेशियर ही है वो उस जगह से, बड़ी बात है। जुलाई अगस्त हो चुका है, गर्मियाँ ख़त्म होने वाली हैं करीब, मेरा ख्याल 1 महीने तक गर्मियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और गर्मियाँ आए हुए अभी 3 से 3.5 4 माह हो चुके हैं, लेकिन वहाँ से अभी तक दरिया नीलम जमा हुआ है, वो देखें होपफुली आपको सही से दिखा होगा। और एक व्यू आ रहा है, बारिश में बहुत ही अच्छी है बारिश, बाकी का नाम नहीं रखते हैं, नहीं पता, ये पता नहीं है, ये रास्ते से हम जहाँ जा रहे हैं आपको बताया उसी रास्ते में आबादी आई है, ये बहुत ही अच्छी है। ख्वाजा सीरी, देखें भाई से पूछा है, उनका नाम भी बताया, ये आबादी वादी सीरी ख्वाजा सीरी, ये वादी से लाजमी हो के उड़ते हैं गुजरे, भाई जान अभी 11 बज चुके हैं और होटल में पहुंचे हुए तो हमें तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। प्लान हमारा था दीवारियाँ में रुकने का, लेकिन हमें लोकल्स ने बताया कि यार रत्ती गली अगर लेक जाना ना कल सुबह तो आप रत्ती गली बाज़ार में जाकर रुको, तो हम इस वक्त रत्ती गली बाज़ार भी हैं, बस अब कल सुबह का प्लान यही है हमारा कि कल सुबह हम बाय जीप रत्ती गली लेक जाएंगे, उसके बाद मुजफ्फराबाद, शायद हो सके हम मुजफ्फराबाद जाएँ। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।